Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. आप तो जानते ही होंगे कि इस पृथ्वी पर जिसने भी जन्म लिया है उसे एक दिन मरना ही है। कोई भी कैसा ही क्यों ना हो उसे मरना ही होता है। आपने देखा होगा कि जब किसी मृत की मृत्यु हो जाती है तो उसके शव को घर से शमशान तक ले जाया जाता है। इस दौरान उनकी शव यात्रा में काफ़ी लोग इकट्ठे होते हैं। किसी के शव को कंधा देने और उसके शव यात्रा में शामिल होने को सभी धर्मों में पवित्र माना गया है। उसी समय इंसान को जीवन की सच्चाई का आभास होता है। आपने एक और चीज़ देखी होगी कि जो भी लोग इस शव यात्रा में शामिल होते हैं सभी स्नान करते हैं। बहुत सारे तो उनमें से ऐसे होते हैं जिन्हें इसके कारणों के बारे में पता नहीं होता है। क्या आप भी इन्हीं में से एक हैं जिन्हें शमशान के बाद नहाने की वजह नहीं पता है? तो जानिए अंतिम संस्कार के बाद स्नान करने के धार्मिक और वैज्ञानिक कारण क्या है। शमशान से आने के बाद नहाने का धार्मिक कारण यह है कि शमशान एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर नकारात्मक शक्तियों का वास होता है। यह कमज़ोर दिल वाले व्यक्ति पर बहुत जल्दी अपना कब्जा कर लेती है। आपको बता दें कि पुरुषों की अपेक्षा महिलाएं ज़्यादा भावुक और मानसिक रूप से कमज़ोर होती हैं, इसलिए उन्हें शमशान जाने की इजाज़त नहीं होती है। ऐसा माना जाता है कि अंतिम क्रिया हो जाने के बाद भी मृत आत्मा सूक्ष्म शरीर कुछ समय तक वहाँ मौजूद रहता है, जो किसी पर भी बुरे प्रभाव डालने की शक्ति रखता है। अंतिम संस्कार के बाद स्नान करने के पीछे वैज्ञानिक कारण भी हैं। अंतिम संस्कार से पहले ही शव काफ़ी देर तक बाहर रहता है, इस वजह से वातावरण के सूक्ष्म संक्रामक कीटाणुओं से संक्रमित हो जाता है। इसके अलावा मृत व्यक्ति का शव भी संक्रामक रोगों से ग्रसित हो जाता है। जो लोग वहाँ उपस्थित होते हैं उन्हें भी संक्रमित होने का खतरा होता है, लेकिन जब भी व्यक्ति नहाता है तो उसके संक्रमण के कीटाणु साफ हो जाते हैं, इसलिए अंतिम संस्कार के बाद स्नान की प्रथा है। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.